नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर में टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तरह तरह का अभियान चलाकर जनता को रिझाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बूथ और मंडल से लेकर विधानसभा स्तर पर चुनावी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इसी दौरान उन्होंने भूपेश बघेल, उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और चुनावी मैदान में पूरी गंभीरता के साथ उतरती है। उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। कांग्रेस ने हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और माफिया का गढ़ बना दिया है। पीएससी और व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाला कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन बच्चियों के साथ अनाचार से लेकर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता कांग्रेस की भूपेश सरकार से निजात पाना चाहती है। जैसा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और पूरी गंभीरता से चुनाव के मैदान में आती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया गया है, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से पीएससी का घोटाला हुआ, व्यापम में लगातार जो घोटाले और गड़बड़ियां हो रही है, छत्तीसगढ़ का आम युवा अपने भविष्य को लेकर सशंकित है, परेशान है, जिस प्रकार से अनाचार अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, छोटी बच्चियों के साथ जो अनाचार की लगातार घटनाएं आ रही है, लव जिहाद की लगातार जो घटनाएं आ रही है, ऐसे लगातार घटनाओं से छत्तीसगढ़ का आम जन आज परेशान है और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। साव ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चुने जाने पर सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष किया है। भूपेश बघेल ने विक्रांत सिंह को उम्मीदवार बनाने जाने पर भाजपा में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिस पर अरुण साव ने कहा कि विक्रांत सिंह भाजपा के बहुत पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता है। विक्रांत खैरागढ़ से नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत उपाध्यक्ष और जिला पंचायत में अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। भूपेश बघेल अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करें, जिसे एक ही परिवार के लोग कई सालों से चला रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि विक्रांत सिंह हमारे वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है हमारे, वो जमीनी कार्यकर्ता है, लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी बनाया है। जहां तक भूपेश बघेल जी के बयान की बात हो, कांग्रेस पार्टी स्वयं एक परिवार की पार्टी है। भूपेश बघेल जी अपने पार्टी की चिंता करें, जो एक परिवार के सारे पर, एक परिवार के लिए, एक परिवार के द्वारा संचालित होती है। साव ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर मंत्री अमरजीत भगत के सांड और बछड़े की लड़ाई वाले बयान पर कहा कि विजय बघेल साल 2008 में विधानसभा चुनाव में पहले ही भूपेश बघेल को हरा चुके हैं और इस बार भी विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। पाटन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमल खेलेगा। उस मंत्री जी को पता होना चाहिए कि 2008 में उसी विजय बघेल जी ने भूपेश बघेल जी को पटकनी दी है, तो कौन क्या है उस मंत्री जी को सोच लेना चाहिए। और इस बार भी 2008 का इतिहास दोहराएंगे और विजय बघेल जी कमल के निशान पर भूपेश बघेल जी को पटकनी देंगे। साव ने कांग्रेस द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करने पर कहा कि भूपेश सरकार भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से घबराई हुई है। भूपेश सरकार प्रदेश को ऐसी दिशा में ले गई है जिससे आम जनता चिंतित है। कांग्रेस आम जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है, इसीलिए बार बार बैठक लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। देखिए, आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है। जनता में जिस प्रकार से आक्रोश है कांग्रेस को लेकर, कभी मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है,
जिन विधायकों की दिल्ली परेड कराई, जिन विधायकों पर कि बदौलत इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। साव ने आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रायपुर दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता उनके गारंटी कार्ड के झांसे में नहीं आने वाली है। दिल्ली और पंजाब की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की जनता सब भली भांति जानती है। देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में कैसे चल रही है आप सबको पता है, और जनता आम आदमी पार्टी को बखूबी जान गई है। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।